नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज़। मेरे साथ और मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं और हम मौजूद हैं जमुना जी की घाट पर, जहां से आप आईटीओ पुल देख सकते हैं। ये लोहिया पुल है और जमुना जी की हालत मैं दिखा सकता हूं किस प्रकार की है। दिल्ली सरकार जब सत्ता में आई थी, उनका दावा था कि गंगा की तरह आप लोग यहाँ स्नान करेंगे, और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। उस डुबकी वाले सीन को हम देखते हुए आज न्यूज कवर करते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं, और पहुँचने पर जो हमें हालात नज़र आए हैं मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी के साथ। जरा दिखाइए सर, क्या है हालात यहाँ और पानी की सिचुएशन क्या है, किस प्रकार यहाँ सफाई बताई गई थी वो सफाई यहाँ मौजूद नहीं है। इसके लिए सरासर दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, और इस पानी की पानी का हाल आप देख सकते हैं, जिस प्रकार दावे किए जा रहे थे। छठ पूजा के दौरान भी दिल्ली सरकार के कार्यकर्ता या अधिकारी लड़ रहे थे आपस में कि ये पानी अनमोल है, धरोहर है दिल्ली सरकार की और साफ है। आप देख सकते हैं ये धरोहर, आप किस प्रकार की धरोहर है, किस प्रकार का नज़ारा है, मैं और बता देता हूँ किस प्रकार का यहाँ। आप देख सकते हैं इस पानी में कितने केमिकल मिले हुए हैं और कितना जमुना जी जो हमारी नदी जिसको हम धरोहर के रूप में माता कहते हैं और सदियों से परंपरा रही है नदी को माता कहने की, आज नदी का रूप आप देख सकते हैं गंदे नाड़ों को इसमें छोड़ा गया है, ऐसा तमाम सूत्रों से हमें जानकारियां मिली है और हम मौजूद हैं इस तट पर। दिखाना चाहते हैं सरकार को और सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि यमुना जी की सफाई पर भी ध्यान दें। करोड़ों रुपये व्यय हो रहा है सिर्फ प्रचार के कार्यक्रमों पर, और ध्यान दे सरकार, दिल्ली सरकार के सीएम किस प्रकार गंदगी बहता आ रही है आप देख सकते हैं। और पानी के अंदर जो झाग है वो एक केमिकल है जिसको पीना भी मतलब उचित नहीं माना जाएगा स्वास्थ्य कारणों से, क्योंकि जो स्वास्थ्य मानक आंकड़े जो कहते हैं उसके अनुसार ये पानी पीने लायक, छोड़िए दर्शकों मैं बताना चाहूँगा, नहाने लायक भी नहीं है। क्योंकि दूर दूर तक मैं दिखाना चाहूँगा कोई ये आईटीओ घाट पर मौजूद नहीं है स्नान करने के लिए। पानी में बहुत ही गंदी बदबू आ रही है कहते हुए हमें शर्म आ रहा है। ये दिल्ली का क्षेत्र है और दिल्ली राजधानी है देश की। मैं दिखाना चाहूँगा पानी का हाल, देखिए सर पानी का हाल देखिए कितना काला और बदबूदार है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। एएसटी न्यूज़ के लिए मनोज कुमार।